मध्य प्रदेश में बचे राजनीतिक भूचाल के बाद ये कहें कि अभी मामला शांत हुआ नहीं, इसकी कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति बना रही है, क्या विधायकों को एकजुट करने की रणनीति है? हमारे साथ बात करने के लिए कई विधायक भी आप लोग आज पहुंचे हैं, क्या लगता है कि ऐसा देखने को मिला था कि कमलनाथ जी की जाने की चर्चा थी, हालांकि इस पर अभी स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, आप लोग से चर्चा करने के लिए प्रदेश प्रभारी आए? नहीं, हमारी जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उस पर चर्चा हो रही है, और रही बात माननीय कमलनाथ जी की, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा था जाने के लिए, मीडिया ही में ये बात चल रही थी, महज बातें ही थी। ऐसा तो नहीं कि अब पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि विधायक भी साथ छोड़ सकते हैं तो उनके साथ वन टू वन चर्चा की जाए? नहीं नहीं, सारे विधायक कांग्रेस के साथ में है, पहले भी थे, अभी भी हैं और आखिरी दम तक रहेंगे। अच्छा, लखन गंगोरिया जी हैं, आप यहाँ पर आए, आप लोग को क्या बताया था कि क्या एजेंडा है बैठक में शामिल होने? बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा था आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का के संदर्भ में, क्योंकि यात्रा अब मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो उसकी तैयारियों को लेके ये बैठक है। अटकलें अब आपका काम है लगाना तो अटकलें लगाइए। नहीं, अटकलें कई इस तरह की भी थी ना सर, कि जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी कहा कि पार्टी से कमलनाथ जी नाराज हैं, फिर दीपक सक्सेना जी ने भी कहा कि पार्टी से नाराज हैं, दिल्ली में मुलाकात हुई सज्जन वर्मा जी की, फिर बायो से उन्होंने कांग्रेस हटा दिया, उसके बाद सज्जन वर्मा जी ने पूरी बात स्पष्ट भी कर दी। ऐसा तो नहीं है कि विधायकों से वन टू वन चर्चा करके सहमति ले रहा हूँ कि आप लोग पार्टी नहीं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में बैठक, तो बिल्कुल ये विधायक पीसीसी पहुंच रहे हैं और चर्चा होगी विधायकों के साथ वन टू वन। इनका जरूर ये कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जहां एक तरफ कमलनाथ की कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर चर्चाएं थी, हालांकि अभी उस पर पूरी तरह से विराम नहीं लगा है, लेकिन उसी बीच प्रदेश प्रभारी आए हैं या विधायकों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि विधायकों के साथ बातचीत में ये भी चर्चा होगी कि कहीं आखिर वो विधायक पार्टी छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं या फिर वे कमलनाथ के साथ तो नहीं जा रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं वो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।